मन की बात, एक मन की बात करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी इस बात से कई लोग रिएक्ट करें। पीछे मकान देख सकते हैं, इस मकान के आसपास अगर पूरे मकान को अगर आप देखें तो कभी यहाँ पर कम से कम 15-20 लोग रहा करते थे। बच्चों की खिलदारियाँ घूमती थी, यहाँ पर लोग पढ़ा करते थे, खाना बनता था। लेकिन समय देखिए, 19 साल बीत जाने के बाद, उत्तराखंड बनने के बाद भी दशा और दिशा क्या है, यहाँ का प्लानिंग किन चीज़ों को लेके है, किन बातों को लेके यहाँ पे लोग वापस जा रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ रहना चाहते हैं, क्यों यहाँ खेत बंजर है, ये हर पूरे उत्तराखंड की कहानी है। शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे बड़ी चीज़ हमारी सुविधाएँ, दूसरा पैसा। जैसे जैसे समय बदला, इंसान को पैसों की ज़रूरत पड़ी। एक समय था जब उत्तराखंड को मनी ऑर्डर के बीच भी माना जाता था कि यहाँ मनी ऑर्डर से यहाँ की आर्थिक दशा चलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत पुराने दौर की बात है, ये बात रही होगी 60, 70 और 80 के दशक की। लेकिन 80 के दशक के बाद यहाँ से जब प्लानिंग धीरे धीरे होना शुरू हुआ, तो उसके बाद लोगों का आना जाना शुरू हुआ, तो लोगों के द्वारा यहाँ पर पैसे भिजवाना या सामान भिजवाना हुआ करता था। दूसरी चीज़, जैसे ये चीज़ें हुई धीरे धीरे, बच्चों का यहाँ से प्लान भी होना शुरू हुआ। एजुकेशन, जिस तरह से शहरों में आज की डेट में लोग पढ़ा रहे हैं, क्या वो किसी थर्ड क्लास के पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं पर उनका कहना है कि हम पढ़ाते हैं, उसी तरह से यहाँ के हर आदमी का भी ये रहा कि हमारा बच्चा यहाँ के स्कूल में क्यों पढ़े। वो धीरे धीरे यहाँ से प्लान कर गए। कुछ लोग चाहते थे कि हम यहाँ रहें, वो थे मजदूर या मजबूर। कारण क्या है? सुविधाएँ। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इतनी सारी सुविधाएँ हो गई हैं, आदमी को पैसा चाहिए। यहाँ पर जो खेती होती है उत्तराखंड के अंदर, वो खेती होती थी पेट भरने के लिए, लेकिन इनकम के लिए नहीं। कारण था कि पेट भरने से सिर्फ पेट भरा जाता है, लेकिन जो दूसरी चीज़ जैसे कपड़े थे या एजुकेशन थी या कोई और ज़रूरत पूरी करनी थी, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा इन खेतों में नहीं होता था। कारण था कि 1962 से जो भूमि बंदोबस्ती नहीं हुई और खेत वहीं के वहीं रहे, खेतों का बंटवारा होता चला गया, खेत एक के बाद एक दूर होते चले गए और उन खेतों से इनकम आनी भी बंद हो गई। दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि जो खेत जितने थे पहले, क्या होता था कि एक ज़माने में जब उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में जंगल अधिनियम नहीं था, तो तब इंसान क्या करता था कि अपने इलाके अगर खेती नहीं है तो किसी दूसरी जगह पर जाके जंगल में अपना रहना बहना बसर करता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद, जंगल अधिनियम बनने के बाद, आप दूसरी ज़मीन को नहीं हड़प सकते, आप सिर्फ अपनी जो ज़मीन है उसी में बंटवारा करके रह सकते हैं। तो समय के अनुसार ये भी हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि बंदोबस्ती नहीं हुई, जो ग्राम सभा की भूमि और दूसरी भूमि थी वो भी नहीं मिली। तीसरी, अब अगर कहा जाए तो आज भूमि की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग रह नहीं रहे। इसका कारण है कि स्वास्थ्य सेवाएं ना होना, जो सुविधाएं आज की डेट में वहाँ की चमक है, धमक है, उन चीज़ों को लेके भी लोग यहाँ पे नहीं रहना चाहते। और कमोवेश सभी उत्तराखंड के मकानों की स्थिति अब ये है। इन मकानों में पैसा लगाने से भी क्या फ़ायदा, क्योंकि जब आदमी यहाँ रहना नहीं चाहता, आदमी को यहाँ आने में परेशानी होती है, तो क्यों लगाए पैसा? क्योंकि यहाँ लेबर का खर्चा, पैसा का खर्चा, वो एक अननेसेसरी होता है। तो इंसान सोचता है कि चलो मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर अच्छा कर पाऊँ। एक ये स्थिति है। दूसरी स्थिति मैं आपको धीरे धीरे ले जाऊंगा आगे। आज के बाद देख सकते हैं पहाड़ों में मेठे करेले, फिर वो जिसको काफी कहते हैं, देख सकते हैं सामने देखिए तोड़ी, तोड़ी का पेड़ है। देखो हम क्या लेते हैं, दिखाओ क्या तोड़ के लाए। मीठे करेले भी है। आप ये देख सकते हैं हल्दी, अदरक, इस तरह के भी यहाँ खेतियाँ होती है। आप यहाँ देखेंगे तो माल्टा भी है, यहाँ पे नींबू भी है, यहाँ पे हरी मिर्च भी होती है। देखा जाए यहाँ काफ़ी कुछ होता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर कोल्ड स्टोर ना होना। अगर कुछ फैमिली रहती भी है तो कोल्ड स्टोर नहीं है यहाँ पे, तो आदमी बेचे तो कहाँ बेचे। यहाँ का एक मुख्य कारण क्या है कि यहाँ अगर हम माने उत्तराखंड के कुछ एरियों का, जैसे मिस नीनाडा ब्लॉक की बात करूँ, तो नीनाडा की मार्केट पड़ती है रामनगर, या नीनाडा के फली तरफ के एरिया का मार्केट पड़ती है कोटद्वार। अगर मान लो यहाँ पर मिर्च अच्छा हुआ, यहाँ हल्दी हुई है, अदरक हुई है, सीजन लोग थोड़ा बहुत करते हैं कुछ लोग यहाँ पे, अगर उनका माल निकलने वाला है, बनियों को पता लगता है कि वहाँ का माल निकल गया, वो उसी वक्त अपने रेट घटा देगा, क्योंकि उसको पता है पहाड़ से माल आने वाला है। अब एक किसान ने, उसके पास कुछ नहीं है, यहाँ सुअर है, बंदर है, सब है, किसी तरह से उसने अपनी ऑर्गेनिक खेती कर ली, मसाला, हल्दी, मिर्च कुछ कर लिया, अब उसके पास कुछ कर्जा भी है, अब वो सोचता है इस माल को बेच के मैं अपना कर्जा उतारूँगा। अब जब वो मार्केट में जाता है
तो उसको बनिया बहुत कम रेट देता है। अब मजबूरी उसकी ये हो जाती है, जिसने 5-6 महीने मेहनत करके इसको बड़ा किया, फिर इसको उखाड़ा, इसको सुखाया, सुखा के फिर वो मार्केट ले गया, तो बनिया उसका पूरा फ़ायदा उठाता है और उसको मन मुताब जो एक रेट मिलना चाहिए था नहीं मिलता, और बनिया उसको उससे 10 गुना दाम पे आगे बेचता है। तो सबसे बड़ी विडम्बना सरकार की जो नीति यहाँ रही वो ये रही कि ये अगर कोई चीज़ अगर इनकी कीमत अगर यहाँ मिलती तो शायद कुछ आदमी की इनकम बनती तो वो भी कुछ करने की कोशिश करता। अब ये कीमत नहीं मिलती तो लोग सिर्फ अपना गुजर बसर के लिए ही इन चीज़ों को करते हैं। मैं अपने गौशाला में खड़ा हूँ, हमारे पास दो गाय हैं, 4-5 बकरियाँ वगैरह हैं। आप देखेंगे ये मामा है, दूध निकाल रही है। मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊँ तो पहले यहाँ गौशाला की लाइन हुआ करती थी, तब तक यहाँ पर बगल में आगे तक फ्री लाइन है एक, जिसमें गौशाला हुआ करती थी। मैं बताया इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ का एक अदर इनकम की सोर्सेज अगर हम बताएं तो वो व्यापार था गाय बकरी और बैलों का, लेकिन खेती बंजर होने की वजह से बैलों का तो नहीं हो गया। दूसरा, दो चीज़ें मैं यहाँ पे एक कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें जो हमें यहाँ डेवलप हुई हैं, जो लोग पढ़ लिख के शहर की तरफ चले गए, पढ़ लिख के लेने के बाद यहाँ की जो कला संस्कृति को उनमें तोड़ा इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने अगर यहाँ पे कोई इनकम के सोर्सेज बना रखे थे तो वो उनके अपने तरीके थे इनकम के सोर्सेज का। जैसे हम कहें कि बैल है, अब बैल बुढ़ा हो गया, लेकिन अब यहाँ पे जो वो गौ माता वाला जो चला है यहाँ पे, अब जैसे कोई बुजुर्ग हो गया, कुछ हो गया, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको बेच नहीं सकते, अब उसको किसको दे नहीं सकते। उसकी वजह से एक तो ये प्रॉब्लम हुई, दूसरी उन लोगों की सोच जो लोग कहते थे कि भाई हम बकरा की जो बलि देते हैं या हम यहाँ देवी पर चढ़ाते हैं, उसके दो कारण थे। पहला कारण था कि बकरा कभी भी किसी देवी को नहीं चढ़ता था, यहाँ पे देवी के नाम पे जरूर उसको रखा जाता था, लेकिन देवी का जो भैरव होता है हमेशा उसको जाता है, ये हिंदुस्तान के अगर धार्मिक लोग हैं समझे, देवी के साथ जो राक्षस होता था उसी को हमेशा चढ़ता था। लेकिन उन बकरे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे एक रोजगार था बकरों का, बकरिया होती थी, बकरिया का सीजन आता था, क्या वो किसी बेस पे खरीदता था तो उनका भी एक इनकम के सोर्सेस होते थे, उससे क्या होता था कि उनका पैसा आता था। लेकिन अब वो भी सरकार कहे या सरकार पे दबाव बनाने की वजह से, यहाँ की संस्कृति को ख़त्म करने की वजह से, जब वो चीज़ भी ख़त्म हो गई तो लोगों ने बकरे रखने और भेड़ पालन भी बंद कर दिया। तो एक इनकम की सोर्सेज खेती से गई, दूसरी गई हमारे इन गाय बकरियों के व्यापार से भी। तो ये दो कारण हैं, और इसके अलावा कोई दूसरी नीति नहीं बनी कि इनकम के सोर्सेज क्या बने, लघु उद्योग हो गया या कुछ भी कहें हम, तो ये नहीं बन पाए। ये मेरे मन की बातें हैं। एक चीज़ जैसे मैं कहता हूँ, ये देखिए गमला ढैया है, ये ग्राम सभा की ज़मीन मानी जाती है क्योंकि इसमें हमारे चारगाह होता था, इसमें गाय चराते थे, लेकिन अब गाय वाय नहीं है तो अब ये ऐसी पड़ा है। लेकिन अगर बात कहूँ मैं इसकी कि जो चारगाह बंद हुआ है, बंजर हुई है, खेती है, सरकार ने इसके कोई दूसरे ऑप्शन नहीं रखे हैं, है ना। अब मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ कि आप मेरे पीछे देखिए, सारा ये खेत आप देख रहे, इतना बड़ा काफ़ी अच्छी ज़मीनें हैं, आप देख सकते हैं, इधर नीचे नदी है, रोपड़ खेती होती थी, और आप नीचे देखते हैं सामने बरात किनाथ वगैरह गाँव है, और ये ज़मीन नीचे से ऊपर तक आप देखिए पूरी बंजर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के नीचे कितनी फेल हुई है। पहली चीज़ कि इनके सोर्सेज ना होने से खेती से कुछ हो नहीं रहा था तो लोगों ने खेती छोड़ी। यहाँ के दूसरी चीज़ें जो हमारे व्यापार जिनमें हम कर सकते हैं, आंवला हेड़ा बेड़ा की कोई यहाँ पे कोल्ड स्टोर नहीं है, हेड़ा है, बेड़ा है, आम है, माल्टा है, इनकी कोई कोल्ड स्टोर नहीं है, तो वो यहीं तक रहते हैं, या तो कुछ खाए या बंदर खाए या सूर खाए या फेंक दिए जाते थे या गाय को खिलाया जाता था। अगर उससे भी इनकम सोर्सेज होती तो शायद कुछ बनता। तीसरी चीज़ कि बकरों का व्यापार भी लोगों ने बंद किया, गाय भैंसों को रखना भी बंद किया, क्योंकि पहले ज़माने में जब बुड्ढे हो जाते थे या किसी लायक नहीं होते थे उनको हंडों को दे दिया जाता था, तो उनका अपना एक होता था कि मतलब हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। लेकिन सरकार की नीतियाँ बनी, जो भी बनी, वो धार्मिक आस्था हो सकती है, लेकिन पहाड़ में रहने वाले आदमी की इनकम के सोर्सेज ख़त्म हुए हैं। अब उसके अलावा सरकार के पास आज भी कोई नीति नहीं है। दूसरा, मैं अपने मन की बात ये कहने जा रहा हूँ कि मान लो मैं ये सोचता हूँ कि यार मुझे गाँव में रहना है, मुझे कुछ करना है यहाँ के लोगों के लिए। अब मैं अपने इन खेतों को देखता हूँ तो एक खेत नीचे है, एक खेत आम के पेड़ के पास है, एक इधर है, एक खेत ऊपर है। मैंने हॉर्टिकल्चर से बात की, हॉर्टिकल्चर कहता है कि साहब पेड़ आपको बरसात में मिलेंगे। दूसरी चीज़ मैंने उन चीज़ों को सोचा कि भी कैसे किया जाए इसको, तो उन्होंने कहा कि 10-10 फुट का गैप किया जाए।
अब वो 10-10 फुट का गैप क्या कर, मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे जो कम से कम 15 खेत उसमें लग रहे हैं 400 पेड़ों पे, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे खेत बन जाते हैं उसमें। अब मैं उनको उसकी नर्सरी कहाँ लगाऊँ, उनको पानी कहाँ कहाँ देता रहूँ, क्योंकि पानी की सुविधा भी नहीं है यहाँ पे। प्रधानों से मैं बात करता हूँ, जिनसे मैंने बात की तो वो ये कहते हैं कि प्रधान का काम सिर्फ कार्य करना है, बाकी उसका देखना लिखा जोखा कुछ नहीं है। प्रधान भी यहाँ इस तरह से, जब उत्तराखंड के संविधान के अंदर पंचायती जब एक पहला स्तंभ का चुनाव होता है, वही प्रधान की दशा दिशा है, तो प्रधान के बाद ऊपर क्षेत्र, जिला और प्रमुख के बाद विधायक और एमपी की क्या दशा होगी, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये है। तो अगर यहाँ पे चकबंदी होती तो हो सकता है कि दो चीज़ें इसमें हो सकती थी, कि इंसान या तो ये कहता कि मेरी अपनी ये वेबसाइट है, मुझे इसमें फार्म हाउस बनाना, एक दूसरा आदमी कह सकता था कि चलो मैं इसको कवर करके इसमें अपनी कोई एग्रीकल्चर खेती या कुछ कर सकता हूँ मैं, या मैं इसमें आंवला हेड़ा बेड़ा या आयुर्वेदिक चीज़ें मैं लगा सकता हूँ, या अपना फार्म हाउस खोल सकता हूँ, या जो पैसे वाला है कहता है कि चलो मैं रिटायर हो गया पैसे के बाद मुझे घर पर रहना है। तो दो चीज़ें स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ पर बिल्कुल भी निल हो चुकी हैं। तो मेरे मन की बात ये है कि अब मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग वापस रिटर्न आएँ, तो क्या करें, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या सुविधा हमें देगी और मैं किस तरह से इसको आगे कर पाऊँगा, या प्रवासियों को जैसे इस बार अभी चुनाव की मैं आपकी मेरे आप वैसे माउंटेन्स के यूट्यूब पे आगे जाके आप देखेंगे तो चुनाव की भी मैंने उसमें डाली है, तो प्रवासियों का इस बार बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ का बंदा की भी एक ऐसी नीति होगी, वो ये कहता है साहब कि प्रवास का आदमी यहाँ क्यों इलेक्शन नहीं आएगा, प्रवास का आदमी यहाँ वोट डालने क्यों आएगा, क्यों पुराना आदमी भी ऐसा घिसपिट गया है, वो भी चाहता कि ये भारी हो चुका है और हम अंदरूनी हैं। अब बुजुर्ग आदमी जो अपने कुछ सालों की ज़िंदगी में है, तो नया युवा कैसे आए यहाँ पे, उसकी भी कोई नीति नहीं है। 10-15 हज़ार, 20 हज़ार का आदमी जो दिल्ली में कमाता है, तो उसके लिए सफिशेंट है यहाँ पे। अगर कुछ नीतियाँ बने, चकबंदी हो जाए यहाँ पे, कुछ कोल्ड स्टोर बन जाए, तो शायद आदमी यहाँ पे वापस आ सकता है। ये मेरे मन की बात है। थैंक यू। जयत्रानंद, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।